विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर आगरा जनपद के एतमादपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर विशेष कैंसर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन आगरा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरुण कुमार श्रीवास्तव द्वारा किया गया। कार्यशाला में विशेष अतिथि के रूप में FH मेडिकल कॉलेज की सहभागिता रही। FH मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल से डॉक्टर सत्यवीर शर्मा ने कैंसर को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी। कार्यशाला में आगरा जिला मुख्यालय से NCD के नोडल अधिकारी डॉक्टर पीयूष जैन, जिला कार्यक्रम प्रबंधक डॉक्टर दीपक यादव, एतमादपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर संजीव वर्मा ने विश्व कैंसर दिवस की थीम पर लोगों को जागरूक किया। विशेष कैंसर जागरूकता कार्यशाला में ANM आशा वर्कर, CHC स्टाफ मेंबर्स सभी लोग उपस्थित रहे। आज विश्व कैंसर दिवस है और यहाँ पर इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग आगरा की तरफ से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एतमादपुर पर एक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय ने किया और जिला कार्यक्रम प्रबंधक भी यहाँ पर उपस्थित थे और CHC एतमादपुर के सारे स्टाफ, डॉक्टर्स और ANM आशा बहन जी, जो हमारे हर कार्यक्रम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, वो सब लोग यहाँ पर थे। मेनली इस कार्यक्रम का लक्ष्य था कि किस तरह से हम अपने क्षेत्र में लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक कर सकते हैं और किस तरह से कैंसर को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करके हम उनके अर्ली ट्रीटमेंट, अर्ली डायग्नोसिस और रिकवरी और रिहेबिलिटेशन में हेल्प कर सकते हैं। अब आज यहाँ पर हमारी कार्यशाला में FH मेडिकल कॉलेज की उपस्थिति रही, हमने उनको इनवाइट किया और हमेशा से वो हमारे एक भागीदार रहे हैं क्षेत्र में, एक एकेडमिक इंस्टीट्यूट होने की वजह से। तो आगे भी हम चाहेंगे कि हमारे स्टाफ के लिए, हमारे डॉक्टर्स के लिए, हमारी आशा बहन जी के लिए, क्योंकि FH मेडिकल कॉलेज एक बहुत इंपॉर्टेंट एकेडमिक इंस्टीट्यूट है, तो वो कुछ एकेडमिक कोलेब्रेशन स्वास्थ्य विभाग आगरा के साथ कर सकते हैं, जिसमें हम कुछ बेसिक ट्रेनिंग्स अपने स्टाफ मेंबर्स के लिए सरल भाषा में, उनके डॉक्टर्स, उनके प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स और वो लोग अगर हमारे लोगों को एकेडमिक अपने एक्सपीरियंस शेयरिंग करेंगे तो डेफिनेटली ये सबके लिए एक विन विन कंडीशन होगी। और मैं चाहूँगा कि उनके जो इंटर्न्स हैं, जो बच्चे मेडिकल कॉलेज कंप्लीट कर रहे होते हैं, वो लोग यहाँ पर आकर रियल पब्लिक हेल्थ का एक फील लें और वो समझें कि वास्तव में पब्लिक हेल्थ क्या होता है, कैसे कठिन परिस्थितियों में लोग काम करते हैं और ऐसी परिस्थितियों में आकर किस किस चीज़ की ज़रूरत हमको पड़ती है एकेडमिक रूप में, जो कि FH मेडिकल कॉलेज में मुहैया करा सकता है। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू कोलेबरेट विद FH मेडिकल कॉलेज इन दिस सेक्शन। कैंसर एक ऐसा रोग है जिसपे काबू पाने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि उसका कितनी जल्दी उसको हम पहचान रहे हैं। पहली बात तो आप लोग फील्ड में, सबसे बड़ी बात है कि एक दिमाग में कैंसर के लिए, जैसे बाकी रोगों के लिए है कि कैंसर लाइलाज नहीं है, पहला वर्ड तो यही दिमाग में आना चाहिए कि हम ये मानते हैं कोई कैंसर है तो लाइलाज हो गया, अब एंड ऑफ लाइफ। ऐसा नहीं है, बहुत सारे कैंसर ऐसे हैं जो जिनका इलाज है और इलाज आसान कब होता है, जितनी जल्दी डिटेक्ट हो। तो ऐसा नहीं है कि हर हर कैंसर का, हाँ गंभीरता भी लिए हुए हैं, बहुत सारे कैंसर ऐसे हैं जिनका वो बहुत ज़्यादा, अगर आपको एडवांस स्टेज में हो, मेटास्टैटिक स्टेज में मिला, तो आप हो सकता है उनके ट्रीटमेंट में दिक्कत हो और उसका सर्वाइवल रेट अच्छा ना हो, लेकिन बहुत सारे कैंसर ऐसे हैं जिनका सर्वाइवल रेट अच्छा है। दूसरी बात कि हम कैंसर में ये भी देखते हैं कितना हमने प्रोडक्टिव लाइफ दी, कि हमने अपने इलाज से उसको कितने साल अच्छा जीवन दिया। आप HIV आपने अपने सामने देखा, जब HIV आया था कोई इलाज नहीं था, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा था इसका अंत होगा क्या, लोग ये प्रेडिक्ट करते थे एक दिन सारी दुनिया HIV से मर जाएगी। कंट्रोल हुई ना, सिर्फ किससे, कि हमने उसको अर्ली डिटेक्ट किया, पहचाना, रिस्ट्रिक्ट किया और कुछ जागरूकता पैदा की और उसके आधार पर बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट पार्ट में अभी भी हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास ट्रीटमेंट में सिर्फ इतना है कि उसकी इम्यूनिटी को मेंटेन रखते हैं। तो ये जो जागरूकता एक वर्ड ऐसा है, या बिहेवियर चेंज जिसे कहते हैं, कि हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल टोबैको है एक, जब हमें पता है ये एक टिपिकल कॉज है इसका, और जो लोग तंबाकू खा रहे हैं उनको अगर ये जागरूक करें कि पहली चीज़ तो उन्हें खाना नहीं चाहिए, अगर खा रहे हैं तो ऐसे कोई सिम्टम्स, कोई ऐसा अल्सर जो ठीक नहीं हो रहा है, कोई ऐसी दिक्कत जो लॉन्ग टर्म में हो रही हो, उसकी जाँच हो जाए और अगर उसका ट्रीटमेंट आवश्यक है तो ट्रीटमेंट।
एक्चुअली एतमादपुर देखा जाए तो ये तो बहुत अच्छी जगह है एक तरह से देखा जाए तो, आगरा के जस्ट बगल में हो जाता है, आगरा 20 किलोमीटर की दूरी पे है, लोग यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत भी हो तो बंदा आगरा भी पहुँच जाता है, ऐसे मेडिकल कॉलेज है या मान लीजिए एफएस मेडिकल कॉलेज है। जैसे कि आप लोग हैं वर्कर ये ना मैं ऐसा जो भी है आप थोड़ी सी ट्रेनिंग आपको देकर के आपने जितना आपने सीखा है इतना आपको सिखाया गया है कि भाई बेसिक चीज़ें कुछ इस तरह की हैं कि अगर ऐसे सिम्टम आए हैं ऐसी प्रेजेंटेशन है तो आप प्रॉपर टाइम पे मरीज को सीएससी पीएससी या फिर हायर सेंटर के लिए भिजवा दें तो वो बहुत बड़ा रोल रहेगा पेशेंट के वजह देखा जाए तो। ये जैसे कि सर ने सीएमओ सर ने भी इससे पहले बताया था कि एक कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, तो आज की जो एरा है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की कहने का मतलब ये है कि वो डिजीज़ जो एक दूसरे से पे नहीं फैलती है, जैसे कि आपकी डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, सर ने स्ट्रोक के बारे में बताया या कैंसर के बारे में बताया, ये बीमारी ऐसी है जो एक से दूसरे में नहीं फैलती हैं, ये पर्टिकुलर बंदे को ही होती हैं। और इससे पहले 20-30 साल पहले चले जाएंगे तो ऐसी बीमारियाँ थी जो इन्फेक्शियस डिजीज़ थी, हैजा, कॉलेरा, डायरिया, ये सब चीज़ें थी जिनसे मैक्सिमम मॉर्टेलिटी होती थी, लेकिन उनकी नहीं है। अब लोगों के पास पैसा भी बढ़ा है, हेल्थ सिस्टम भी बड़ा इंप्रूव हुआ है, लोगों की अवेयरनेस भी बढ़ी है, तो वो इन्फेक्शन वाली चीज़ें बहुत कम हो गई हैं। अब कितने लोगों को देखा है आपने कि डायरिया से 50 बच्चे वहाँ मर गए या क्या कहते हैं इस तरह की फीवर वगैरह से बच्चों को, नहीं सुना होगा ना, कभी नहीं सुना होगा, लेकिन आज से 80 के टाइम पे आप बहुत सुनते थे कि भाई वहाँ छोटी माता आई, बड़ी माता आई, इतने बच्चे वहाँ सफ़र किए या ये सब चीज़ें की, तो अब वो एरा ना होकर के एरा इधर शिफ्ट हो गई है। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक और कैंसर के मरीज, आपको कैंसर ऐसे हो गया सर्दी जुकाम की तरह, किसी भी हॉस्पिटल चले जाइए आपको मरीज भरे के भरे मिल जाएंगे। इवन कैंसर हॉस्पिटल में भी जाएंगे तो आपको वहाँ लाइन इतनी ज़्यादा है कि आप थक जाएंगे खड़े खड़े कि इतने मरीज एकदम बढ़ चुके हैं।